स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं अपने भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान के हम दो वीडियोस अवेलेबल करा चुके हैं। उन वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ और भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी। तो आज हम भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान का भाग एक पढ़ने वाले हैं। कौन सा भाग एक पढ़ने वाले हैं और भारतीय संविधान के भाग एक के अंतर्गत क्या क्या आता है उसकी बात देखिए हम बता दें। इसमें आता है संघ और उसके राज्य। क्या आता है? संघ एवं राज्य। ठीक है, भाग एक के अंतर्गत संघ एवं राज्य आता है और इसमें अनुच्छेद देखिए इसमें चार लिखे गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद एक से अनुच्छेद चार तक। कितने? अनुच्छेद एक से अनुच्छेद चार तक इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद एक की, आर्टिकल वन की। तो आर्टिकल वन में क्या लिखा है मेरे भाइयों? आर्टिकल वन में, संविधान के आर्टिकल वन में लिखा है कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत यानी कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, देखिए इंडिया या फिर भारत राज्यों का एक संघ होगा। किसका? राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यानी कि हमारे केंद्र को संघ के रूप में इसमें स्वीकार किया गया। संविधान के एक अनुच्छेद एक में हमारे देश का नाम वर्णित किया गया है, जिसे भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया। देखिए संविधान सभा में भारत यानी हमारे देश को के नाम को लेकर मतभेद हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया को कहा जाए, इसमें शामिल किया जाए नाम के रूप में, या भारत, हमारे देश का नाम भारत रखा जाए। तो इन दोनों लोगों में काफी मतभेद थे। बाद में क्या हुआ, संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश के दोनों ही नाम स्वीकार कर लिए जाएंगे। यानी तो कहा गया कि भारत यानी कि इंडिया हमारे राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत यानी कि इंडिया हमारे राज्यों का एक संघ है, इस चीज को आर्टिकल एक में लिखा गया, अनुच्छेद एक में वर्णित किया गया। अनुच्छेद दो की अगर हम बात करें यानी आर्टिकल टू की बात करें, तो आर्टिकल टू क्या कहता है? आर्टिकल टू में हमें बताया गया है कि आर्टिकल टू में संसद को यह शक्ति दी गई। किसे? संसद को यह शक्ति दी गई कि हमारे संघ में यानी हमारे देश में किसी भी राज्य को शामिल किया जा सकता है, किसी भी राज्य को शामिल किया जा सकता है या फिर निष्कासित भी किया जा सकता है। और ये शक्ति किसको दी गई? संसद को दी गई। संसद चाहे तो क्या कर सकता है? हमारे देश में किसी भी राज्य को शामिल कर सकता है, चाहे वो हमारे देश का जो हिस्सा हो या फिर ना हो। नहीं है तो अधिकृत भी कर सकता है, क्योंकि भारत अब एक संप्रभुता संपन्न देश बन चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल टू क्या कहता है? आर्टिकल टू संसद को क्या देता है? ये शक्ति देता है, ये उसको ताकत देता है कि संसद किसी भी राज्य को स्वयं में शामिल कर सकती है, चाहे वह पहले से ही भारत का भाग हो, ठीक, या फिर कोई नया बनाया जाए, ठीक, या फिर भारत का भाग नहीं है तब भी उसको शामिल किया जा सकता है, अगर वहां की सहमति होती है तो। बात समझ में आई? जैसे सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को हमारे देश में बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, 1974 में उसको शामिल किया गया, पूर्ण रूप से 1975 में उसे शामिल किया गया था। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद आर्टिकल तीन आता है और अनुच्छेद तीन क्या कहता है? अनुच्छेद तीन कहता है कि संसद को यह शक्ति है, संसद को यह शक्ति दी गई कि हमारे देश यानी भारत के किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, और उसकी सीमा को घटाया भी जा सकता है, उसकी सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर उस राज्य को किसी दूसरे राज्य में विलय भी किया जा सकता है।
या फिर किसी एक राज्य को दो राज्यों या तीन राज्यों में बांटा भी जा सकता है। ये कौन किस कौन कह रहा है? आर्टिकल 3 कह रहा है। और ये शक्ति किसको दी गई? संसद को भी। यही ये शक्ति संसद को भी दी गई है। मेरे भाइयों आपको हम बता दें, तो देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, हमारे देश का नाम भारत यानी इंडिया, हमारे राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है संसद को ये शक्ति देता है कि संसद क्या कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, या जो राज्य भारत में पहले से हैं उनको अपने देश में शामिल कर सकता है। ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में तोड़ा भी जा सकता है। ये आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 4 हमें बताता है, अनुच्छेद 4 हमें बताता है, अनुच्छेद 4 यानी आर्टिकल 4 हमसे कहता है कि जो इस तरीके से संसद में संशोधन होगा, यानी कि राज्य को गठित करना, राज्य की सीमा को निर्धारित करना, या राज्य को दो टुकड़ों में बांटना, या राज्य के दो राज्यों को एक मिलाकर एक राज्य बनाना, ये सब संशोधन तो होंगे, संविधान में संशोधन तो होंगे, लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आप कह रहे होंगे आर्टिकल 368 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या चीज है? तो अनुच्छेद 368 हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक। और 368 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़े तो ऐसे संशोधन प्रस्ताव को हमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित कराना होता है। अब आप कहेंगे विशेष बहुमत क्या होता है? तो देखिए संसद में जितने भी ये संसद के सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा जिसमें जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का 2/3 पार्ट से वोट लेकर वो प्रस्ताव पारित हो दोनों सदनों से, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सहमति देगा, तब वो संशोधन माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत। इतनी बात क्लियर हुई। अगर कोई भी ऐसा संशोधन हमारी संसद करती है जो किसी राज्य से संबंधित हो, उसकी सीमा से संबंधित हो, ठीक, यानी कि भाग एक आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड होगा, तो वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, उसे विशेष बहुमत से पास नहीं कराना होगा, उसको केवल पास कराना होगा। केवल पास कराने का मतलब आधे से एक ज्यादा वोट मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। ये आर्टिकल 4 कहता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, आर्टिकल 4 इस चीज को कहता है। तो दोस्तों अब हमने आर्टिकल 1-4 पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य उपस्थित थे, उन राज्यों के नाम, और उसके बाद जो हमारे नए राज्य बनते गए तो उनका गठन कब और किस समय हुआ और क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण हुई उनके साथ, उसका डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।